हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड जो कि एक एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं फॉर द डैमेजिंग ऑफ द DNA और किस तरीके से वो एंटी न्यूरोप्लास्टिक या एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है अपनी शो करते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर भजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल नेचर होते हैं और ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स के तरीके से काम करते हुए DNA बेसिस जो हैं वहाँ पर जुड़ते हैं, बाइंड करते हैं और इनका एल्काइलेशन करते हैं, जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है DNA और बाय द क्लाइक क्रॉस लिंकिंग वजह से उनका क्या होता है, DNA हमारा डैमेज हो जाता है। तो ये एक्चुअली में किस तरीके का एक्शन शो कर रहा है वो हम यहाँ पे केमिकल मेथड्स में देखेंगे कि किस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर जो है इसका वो एक्शन को शो करता है, और उसी चीज़ को इधर लिख रखा हुआ है तो ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर इस नाइट्रोजन जो मस्टर्ड है उसके स्ट्रक्चर को, एक जनरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप कहते थे, इसको हम लोग बार बार कह रहे थे 20-बीटा-हेलो-एल्किल-एमीन। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ जो है हमारे पास एल्किल हेलो ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ पर इथाइल हेलो ग्रुप लगा हुआ है, जो दो कार्बन की चेन है, उसके बाद फिर क्या है CL है, इसी तरह इधर भी है। तो ये दो DNA के साथ जुड़ने के लिए पहली बात तैयार है। दूसरी चीज, जो ये नाइट्रोजन है, ये जितने भी इस प्रकार के नाइट्रोजन्स होते हैं अमीन फॉर्म में, वहाँ पर जो ये आपको जो चीज दिख रही है, इट इज़ फुली फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ पर दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक्शन के लिए। तो जब फिजियोलॉजिकल pH में हमारी ड्रग पहुँचती है तो जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमीनो एसिड्स के, वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं कहाँ पर, इंट्रा मॉलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर, और जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल बी अटैक ऑन दिस बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिसकी वजह से ये जो CL आयन है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये यहाँ पर एक साइकिल बनेगी। देखिए, ये CH2 तो इससे जुड़ा ही है इस नाइट्रोजन से, ये CH2 भी अगर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा, और वो जो साइकिल बनेगी उसमें हम क्या कहते हैं, एरिजिडियम रिंग कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इट इज आयन जो कि एक क्वार्टनरी अमीन आयन बन रहा है या सॉल्ट आप कह सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एरिडियम आयन। तो ये पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1। जैसे ही नाइट्रोजन के इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बीटा कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, यहां पर रिंग का फॉर्मेशन होगा और आपको कुछ इस प्रकार की एक रिंग जो है वो प्राप्त होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बना लिया, इसकी वजह से यहाँ पर एक क्वार्टनरी आयन बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस चार्ज लिखा, और ये जो रिंग बन रही है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा इन सब के बीच में, जो आयन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। नाउ अब जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, जिसको हम एरिडियम आयन बोल रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देखिए तो अब इसी के ऊपर अटैक होगा किसका, हमारे DNA का। जो ये DNA है, देखिए ये एक पूरी स्ट्रेन है DNA की, जहाँ पर, या DNA का एक मॉलिक्यूल है जिसमें बीच में ये ग्वेनिन का जो है स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा, दिस इज ग्वेनिन का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में एक N के ऊपर जो है हमारा डीऑक्सीराइबोज 5-फॉस्फेट बंद बनाते हुए DNA के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसमें से एक ग्वेनिन का जो, इट इज नोन एज 7th पोजीशन, ये 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, इट विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन, या ठीक है, जो ये एरिडियम आयन दिख रहा है इसके ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो हमारा DNA था उसके ऊपर ये एल्किल ग्रुप या जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 2, जहाँ पर जो DNA मॉलिक्यूल है, जो कि ग्वानिन का 7th पोजीशन हम जिसको बोल रहे हैं, एडनिन भी हो सकती है, वो कंडक्ट करती है एक इंटरमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इंटरमॉलिकुलर का मतलब यहाँ ऊपर क्या हो रहा था, इंट्रामॉलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही, इंटरमॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैक कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिसकी वजह से एरिडियम आयन जो बना था या जो एरिडियम रिंग बनी थी ये क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी और एल्काइलेशन ऑफ DNA जो है वो कॉज हो जाएगा। ये DNA का जो ग्वेनिन मॉलिक्यूल है या रेसिड्यू है वो क्या अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर यहाँ जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ेगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो रिंग ब्रेक कर दीजिए और जोड़कर दिखा दीजिए, ये देखिए
ये नाइट्रोजन था, यहाँ पे रिंग ब्रेक हो गई, इस CH2 से हमारा ये पूरा का पूरा DNA जो है वो जुड़ गया। DNA का ये कौन सा पार्ट है, ग्वेनिन है और उससे जुड़ा हुआ DNA है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3 और जो स्टेप नंबर 4 है, दे आर सिंपली रिपीटेशंस ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है, कैसे रिपीटेशन हो रहा है, देखिए जब इधर हुआ तो वही चीज़ इधर भी होगी। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इट विल अटैक ऑन द बीटा कार्बन, दूसरी तरफ भी बीटा कार्बन है, जब ये बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो हमारा सी एल माइनस है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी के साथ ये जो ग्वानिन के साथ, देखिए एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, देखिए सी एल माइनस यहीं रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक। तो ये वापस से अटैक करेगा और वापस से यहाँ पे क्या बनेगा, स्टेप नंबर 1 में जैसे एरिजोनियम आयन बन रहा था वैसे यहाँ पे बनेगा, और स्टेप नंबर 3 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या देखा, फिर से सेकंड एटम पे जो सेकंड जो आर्म थी हमारे नाइट्रोजनस बेस की, ये नाइट्रोजन था, इस पे क्या हो गया, यहाँ पर ये इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ वापस से क्या बनाया, एरिडियम आयन बनाया, बिल्कुल सेम वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। दूसरा मॉलिक्यूल डीएनए का आएगा और वहाँ पे जो सेवेंथ पोजीशन है नाइट्रोजन की, डैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन और ये बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये नाइट्रोजन वापस से अटैक करेगा, इट इज स्टेप नंबर 4, और जैसा यहाँ पे हुआ था स्टेप नंबर 2 में वैसे स्टेप नंबर 4 में भी हो जाएगा, और ये ग्वेनिन के साथ ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। दैट इज द स्टेप नंबर 3 एंड 4, सिंपली रिपीटेशन ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, जहाँ पर सेकेंड आर्म ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो अटैक करके ये सेम तरीके से ही काम करेगा। नाउ स्टेप नंबर 5, अब देखिए क्या होगा स्टेप नंबर 5 में, क्या होगा आपको, जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या हो गया, ये हमारा नाइट्रोजनस, हमारा जो नाइट्रोजन मस्टर्ड था वो था, उसके एक तरफ एक ग्वेनिन और डीएनए जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक ग्वेनिन और उसके साथ डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल जब बन गया तो इसके बाद जो स्टेप होगी वो क्या होगा कि जो डीएनए है, जो क्या नाम है, हाइड्रोलिटिक ड्यूप्लिनेशन होता है, कहने का मतलब ये डीएनए अपना छुटकारा चाहना चाहेगा कि ये सब चीज़ जो बन गई है वो हमको चाहिए नहीं थी, ये कुछ और बन गया, तो वो क्या करेगा, छुटकारा लेगा, तो वो क्या करेगा, इस ग्वेनिन का जो पार्ट है इसको क्या करेगा, छोड़ देगा, इस ग्वेनिन को छोड़ेगा। जब इस ग्वेनिन को छोड़ देगा वो, तो आपको क्या मिलेगा, दो डीएनए मिलेंगे अलग अलग, यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ तक इधर से ब्रेक होगा, और कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये दोनों जगह से ब्रेक होगा। तो हमको दो डीएनए डैमेज कंडीशन में प्राप्त होंगे, जो कि आगे चल करके रेप्लिकेट करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक जो नाइट्रोजनस बेस था उसका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, और उसकी वजह से रेप्लिकेशन वहाँ पर नहीं होगी, आप कह सकते हैं म्यूटेशन हो गया सिंपली, जिसकी वजह से वो सेल डेथ का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ जब हाइड्रोलिटिक डिप्रेनेशन हो रहा है, हाइड्रोलिटिक डिप्रेशन का मतलब होता है पानी आ रहा है ना, पानी की प्रेजेंस में होगा, H2O की प्रेजेंस में, तो पानी की प्रेजेंस में होगा, तो ये टूट जाएगा, डीएनए अलग हो गए, और ये हमको क्या मिलेगा, ग्वेनिन और जो है नाइट्रोजनस बेस का एक जो है टोटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दोनों तरफ ग्वेनिन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजनस बेस है जैसा कि यहाँ पे था, इसमें से डीएनए जो है वो अलग हो गए, डीएनए क्या हो जाएंगे, डैमेज कंडीशन में होंगे। दैट इज़ द टोटल तरीका इसका काम करने का। तो हम कह रहे हैं कि जो दो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो क्रॉस लिंक हो जाएंगे कार्बन के साथ, जो कि हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड के कार्बन थे उनके साथ, जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे जैसे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हाइड्रोलिक ड्यूप्लिनेशन होगा, जो कि क्लीव करेगा, किसको क्लीव करने का मतलब टूटेगा, जो कि हमारा ग्वेनिन था जहाँ से बाउंड था उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, छोड़ने में से डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा, और जो कि रेप्लिकेट करने के लिए अनेबल होगा, जो अब सही से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और सेल डेथ का जो है हमको रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली ये जो कंडीशन हुई, ये जो आप कह रहे हो कि ये छोड़ रहा है, यहाँ पे डीप्रेनेशन जो हो रहा है, हाइड्रोलिटिक डीप्रेनेशन, ये डीएनए इसलिए करता है ताकि वो छुटकारा पाना चाहता है जो क्रॉस लिंकिंग हो गई है विद द नाइट्रोजन मस्टर्ड के जो कार्बन है उनके साथ, जो एल्काइलेशन हो गया उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो डैमेज हो जाएगा। जैसे ही वो छुटकारा इससे पाएगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और आपकी जो सेल है उसकी डेथ होगी। सेल डेथ का मतलब ये देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो गैस, जो हमारी सॉरी ये जो ड्रग है, ये अगर कैंसरस सेल के ऊपर अटैक करी तब तो अच्छा है कि कैंसरस सेल की डेथ हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कई बार जो है आपके नॉर्मल सेल पे भी अटैक करेगी और उसकी भी जो डेथ है उसको भी कॉज कर सकती है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस, सॉरी नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसका जो PDF है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो और भी आपके लिए बना सकूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।